हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों समय से नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत। यदि हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? इसका आंसर है अनुच्छेद 17। दोस्तों, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इसका आंसर है मोरारजी देसाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? इसका आंसर है राजनीतिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक, और यह भाग कितने में? भाग 3 से संबंधित हैं। यदि हम भाग 2 की बात करें, यानी अनुच्छेद 5 से 11, तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारत की नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? इसका आंसर है के.टी. शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक। यदि हम दूसरे उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह 2 बार लगातार कौन रहे थे? हामिद अंसारी, 2007 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51। दोस्तों, अनुच्छेद 48 यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका आंसर है 12 सदस्य। लोकसभा से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? इसका आंसर है वित्त आयोग। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा 22 नवंबर 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 48 के ए से। यदि हम अनुच्छेद 51 ए की बात करें तो यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? इसका आंसर है 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 316 के क के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यदि हम वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? अरविंद सक्सेना। दोस्तों, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है? इसका आंसर है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? इसका आंसर है 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका आंसर है 35 वर्ष। यदि हम राज्यपाल और उप राष्ट्रपति की बात करें तो इनके पद की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? इसका आंसर है कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? इसका आंसर है आंतरिक आपात स्थिति 1975 ईस्वी में। यदि हम बाहरी आपात स्थिति की बात करें तो यह पहली बार 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध के समय लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका आंसर है जितनी बार चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर है राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। इसका आंसर है लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों, ये थे इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।